हमारे अतिथि विश्व नारायण उपस्थित हैं और इस महाविद्यालय परिवार के शिक्षक और विद्यार्थी। ज्ञान समाप्त होता है वहां से धर्म प्रारंभ होता है और हमारे यहाँ तो धर्म और विज्ञान दोनों मिले हुए हैं, कभी उनका अंतर विरोध रहा ही नहीं। आयुर्वेद हमारे वेदों का अंश है और वैदिक मैथमेटिक्स हमारे वेद में ही है और हमारे जो भौगोलिक शास्त्र का, जियोलॉजी का और एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान है वो धर्म से ही निकला है और वो विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरा है। तो आज हमारे विद्यार्थी गीता जयंती मना रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और गीता तो एक मैं से धर्म ग्रंथ मानता ही नहीं, ये तो एक आर्ट ऑफ लिविंग का किताब है, जीवन जीने की शैली। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई भी संप्रदाय है उसका, लेकिन गीता का अध्ययन और उसका अनुपालन आपको जीवन के सही मार्ग पर ले जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं गीता सीखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, पैदा कहाँ हुए, कैदी गृह में जन्म लेते ही उनको अपने माता पिता का साथ छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह कहीं पले वहां बड़े हुए, वहां मिला, वहां भी वो जगह भी उनको छोड़ना पड़ा, द्वारका गोकुल से उन्हें द्वारका जाना पड़ा। लेकिन एक चीज कभी भी कृष्ण भगवान से जो सीखनी चाहिए कि सकारात्मकता और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कभी कम नहीं हुई। तो नेवर गिव अप, ये एक चीज जो आपको गीता से सीखनी चाहिए। नेवर गिव अप का एक और एग्जाम्पल है गीता में, कर्ण जो है त्याग दिए गए, माता ने उन्हें त्याग दिया, गुरु ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, फिर भी वे इतने बड़े धनुर्धर और योद्धा हुए कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो जब कर्ण बाण छोड़ते थे तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे जाता था और जब अर्जुन बाण छोड़ते थे तो कर्ण का रथ काफी दूर तक पीछे जाता था। तो अर्जुन ने कहा अपने सारथी से, भगवान कृष्ण से, कि ये देखिए मेरे बाण का कमाल, कर्ण इतने धनर्धर है, उनका रथ इतने पीछे चला जाता है। तो कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ उन्होंने बताया कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं और तुम्हारे ध्वज पर बजरंगबली भगवान का वास है और तुम्हारे रथ के पहिए में स्वयं नाग पास लगा हुआ है, इसके बावजूद भी तुम्हारा रथ जो है इतना पीछे जा रहा है। तो ये कर्ण के जो युद्ध कौशल का ये जीता जाता उदाहरण है। तो नेवर गिव अप का एक उदाहरण कर्ण की जीवनी भी है, दानवीर कर्ण कहते हैं, वो सबको पता है और उन्होंने क्या 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 नहीं दान किया। तो ये है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या यहाँ लिखा हुआ है, यदा यदा यथा ग्लानिर् भवति भारतम्। तो ये बिल्कुल, जब भी पाप बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता ही है, वो फिजिकल फॉर्म में हो या ऐसे हो, आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी कभी बहुत ज्यादा पाप बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में वो पाप को नाश करने वाला कोई व्यक्ति प्रकट होता ही है। तो ये चीज भी आपको गीता सिखाती है। गीता का वो फेमस श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करो फल की चिंता नहीं करो। तो कहेंगे भाई फल की चिंता क्यों नहीं करें,
फिर काम करे क्यों? अर्जुन ने तो यही कहा था ना कि हमको क्या मिलेगा इस युद्ध में, इस युद्ध को यदि जीत भी जाए तो मुझे मिलेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम काम करो, ये जो जर्नी है उस जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन तुम्हारा जो कुछ भी हो उस जर्नी को एंजॉय करो, तुम पाओगे कुछ जरूर। तो ये एक चीज है सीखने की। फिर बहुत सारी चीजें, ये वैसे यदि गिनाओ तो फिर हमारे जो गीता के वर्मा के यहाँ बैठे हैं उनको भी सुनना है। और कम समय में मैं इतना ही कहूंगा कि गीता का अध्ययन अवश्य करें और उनकी जो चीजें हैं वो सीखने लायक उसे अवश्य सीखें और उनका अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर इतने अच्छे मार्गदर्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे चिकित्सक के पास होने चाहिए उत्कृष्ट ज्ञान, संभाव और भावनात्मक गुण, और ये तीन अच्छे व्यवहार सूचीबद्ध है और गीता में लिखे विचारों द्वारा समर्थित है। तो अगली कड़ी में चिकित्सा क्षेत्र में गीता का क्या महत्व है इस पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं अभिषेक कुमार पांडे बॉस को हमारे समक्ष बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद परम आदरणीय अतिथिगण, जय विश्व गुरुजनों, आदरणीय सीनियर्स, मेरे प्रिय सहभागी और प्यारे जूनियर्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता बढ़ती है तब तब मैं हर युग में धर्म की पुनःस्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत काल के समय संपूर्ण मनुष्य जाति को धर्म की सही परिभाषा समझाने के लिए दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता ईश्वरीय वाणी है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, यदि यह अस्तित्व रहेगा तो किस रूप में रहेगा और कहाँ रहेगा, मेरे इस संसार में आने का क्या कारण है। एक मनुष्य के रूप में हमारे मन और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। श्रीमद् भगवद गीता जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के महत्व और इसकी भावना को सभी लोगों में जगाए रखना है। श्रीमद् भगवद गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है, फलस्वरूप मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदायी एकादशी या मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। महाभारत काल कुरुक्षेत्र का वह भयावह युद्ध जहाँ भाई भाई के सामने सत्र लिए खड़ा था, वह युद्ध धर्म युद्ध था। उस युद्ध का उद्देश्य समाज में धर्म तथा न्याय की स्थापना करना था। वह युद्ध राज्य के लिए नहीं था। स्वयं भगवान ने उस युद्ध को टालने का अथक प्रयास किया परंतु वह युद्ध टल नहीं सका। पांडवों के साथ न्याय करने की बात तो दूर रही, दुर्योधन के ऊपर अधर्म और मूर्खता इस प्रकार सवार थी कि उसने उल्टा हरि को ही मानना चाहा। इस बात को रश्मि अच्छी के तीसरे सर्ग में श्री रामधारी सिंह दिनकर जिस प्रकार कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान जितना पुराए पांडव का संदेश आ रहा है। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका।
दुर्योधन रह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। सर्वनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्जुन ने जब महाभारत युद्ध के समय अपने समक्ष अपने पितामह, अपने गुरु और अपने भाइयों को देखा तब उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूटने लगा, उसके पैर काटने लगा। जब उसने अपने आप को युद्ध करने में असमर्थ पाया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत काल में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया उस समय कलयुग प्रारंभ होने वाला था, और कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ स्वयं ईश्वर धरती पर नहीं होते कि वे अपने मार्ग से भटके हुए अर्जुन का मार्गदर्शन कर सके। न जाने इस कलयुग में ऐसे कितने अर्जुन होंगे जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, और ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता उनका मार्गदर्शन करेगी। इसी उद्देश्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को पुनः सुनाया गया। पुनः इसलिए क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इसके महाभारत काल के पहले भी गीता का उपदेश अनेकानेक भक्तों को दिया जा चुका है। सबसे पहले भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सूर्य भगवान को दिया। आगे अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा तेषां को अकर्मणि। अर्थात मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तो अपने कर्म को ही सही तरीके से नहीं कर पाते। अर्जुन को भय था कि इस युद्ध में उसके सारे सभी संबंधी मारे जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं और आत्मा की निष्ठा को बताते हुए कहते हैं कि नैनम छिंदन के शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम के दयन चाप न शोषति मारुत। अर्थात यह आत्मा अजर और अमर है, नैनम छिंदन शस्त्राणी तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावक न तो इसे आग जला सकती है, ना चैनम के दयन चापो ना तो इसे पानी भिगा सकती है, ना शोषति मारुत अर्थात ना तो इसे हवा सुखा सकती है। आगे कहते हैं कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानि संन्याति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीरों का त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यदि तुमने यह युद्ध किया तो तुम्हें यश और श्री की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध करने के लिए यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। अर्जुन को समझाते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है, मैं ही समस्त वेदों का रचयिता वेदांत वेदों के अर्थ को जानने वाला और वेदांत का रचयिता हूँ। अतः श्रीमद् भगवद गीता में सभी वेदों का सारांश है। श्रीमद् आज विदेशी विद्वान हम्बोल्ट का कहना है कि किसी शब्द भाषा में लिखे गए सभी ग्रंथों में सबसे अधिक सुंदर और दार्शनिक गीता है। आज समस्त विश्व परमाणु युद्ध की विविधता से त्रस्त है, ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आज आप सभी के साथ में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक वृत्तांत साझा करना चाहता हूँ। स्वामी जी जब विदेश गए थे शिकागो सम्मेलन में, उस समय उनके कमरे में एक अंग्रेज दाखिल हुआ। स्वामी जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, अंग्रेज जैसे दाखिल हुआ उसके अंदर स्वामी जी के स्टडी टेबल के ऊपर गए और स्वामी जी के स्टडी टेबल पर श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर तकरीबन 15-20 और किताबें रखी हुई थी, कुछ किताबें फॉरेन राइटर्स की हुई थी। तो अंग्रेज ने जब यह दृश्य देखा तो उसे हंसी आई और उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी यू फाइनली एक्सेप्टेड इट, आपने आखिर मान ही लिया कि हमारे जो राइटर्स हैं वो सबसे ऊपर हैं और आपका जो राइटर वो नीचे है। स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए गीता को पकड़ा और झट से खींचा, जैसे उन्होंने गीता को खींचा सारी की सारी किताबें धराशायी हो गई। स्वामी जी का आधार तो नहीं था, श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का सार और आधार है। जिस प्रकार एक वृक्ष कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि हम उसकी जड़ काट दें तो बहुत दिनों तक हरा भरा नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार
अपने जीवन में सफलता के किसी भी शिखर पर क्यों ना पहुंच जाए, यदि हम श्रीमद् भगवद गीता और ऐसे ग्रंथों से मुक्त हो जाएंगे, अपनी संस्कृति से मुक्त हो जाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा सफल नहीं रह सकते, हमारा पतन निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लोगों को जगाने की हुई है, तब तक कविता ने अपना अहम भूमिका निभाई है। आज जब हम हमारी संस्कृति को खो रहे हैं, ऐसे में कविताओं से उम्मीद बढ़ गई है। इसी के साथ मैं अब मेरे सहपाठी अविनाश झा को यहाँ बुलाऊंगी अगले कविता प्रस्तुति के लिए। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। गीता पढ़ने की शुरुआत जो सबसे पहले होती है वो होती है कृष्ण से लगाव से, कि कृष्ण को जानने की इच्छा ही हमें गीता की तरफ ले जाती है। और जब बात कृष्ण से लगाव की होती है तो रश्मि रथी को कैसे भूला जा सकता है, और वो भी वो रश्मि रथी जो हमारे बिहार के राम हर सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। तो उन्हीं की रश्मि रथी से कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब बात आई युद्ध की तो श्री कृष्ण ने शांति का मार्ग सबसे पहले चुना और वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। पर दुर्योधन अधर्म के मद में इतना चूर था कि वो इस बर्बादी का एहसास कर ही नहीं पाया, और उसने श्री कृष्ण के साथ ही दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, मगर उनका ये कोशिश जो है पूरी तरीके से विफल रहा। और फिर श्री कृष्ण ने लोगों को एहसास कराया, वहां जितने भी लोग थे, कि वास्तव में भगवान होना क्या होता। अब शुरुआत इस तरह से होती है कि दुर्योधन जो है वो श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़ा है, तो वो है कि हरि ने भीषण हुंकार किया। श्री कृष्ण देखते और कर अपने आप को उस बड़े अपने जो रूप है बृहद रूप में लाने की उन्होंने कोशिश की है, और कहा है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा विक्त भाग, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा हा दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, लाशों से पटी परी भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा,
टकराएंगे नक्षत्र निखर, धरसेगी वह पर वह भी प्रखर, फण शेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान व्यंग के छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। और सभी पांडव तथा सम्मुख पांडव थे अड़े हुए, सम्मुख पांडव थे अड़े हुए, भाई थे कौरव पांडव सब, दोनों के एक ही दादा थे, पर समय आज कुछ ऐसा था, लड़ मरने पर दोनों आमादा थे, लड़ मरने पर आमादा थे। अब मैं हमारे समक्ष आदरणीय मधुसूदन चतुर्वेदी सर, जो कि नरकटिया हाई स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा भगवत गीता वाचक एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं, उनको बुलाना चाहूंगी, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं श्यामगौ ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम सम्माननीय केशव चिकित्सालय के अधीक्षक श्री डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी जी, उनके बगल में चिकित्सक द्वय जिनको जिनका नाम से मैं अपरिचित हूँ, हमारे श्री रविराज दुबे जी जो बड़े हैं गीता के संदर्भ में करीब रहे हैं, चिकित्सक हैं, हमारे डॉक्टर दिवाकर राय जी जो साहित्य के मनीषी हैं, सामने उपस्थित प्यारे छात्रों छात्राओं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। गीता जयंती का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के जीव को जीवंत करने का एक संकल्प यात्रा है। गीता के एक अंश को भी हम आत्मसात कर ले तो चुनौती पूर्वक मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता। जहां जीवन है वहां कर्म है, और कर्म की पहचान अनिवार्य है। कर्म तो सब करते, लेकिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारुतः
न स सिद्धि मराप्नोति न सुखम न परांगति। हे कौन्तेय, शास्त्र विधि का परित्याग कर अर्थात नियम विरुद्ध कर्म करते करते मर जाओगे, कर्म का फल प्राप्त नहीं कर सकोगे। अकर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकोगे तो सुख नहीं प्राप्त कर सकोगे, असुख नहीं प्राप्त कर सकोगे तो शांति नहीं मिलेगी और अंत में सदगति भी नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। न चाह कर भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी निश्वास है। यदि हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? किं कर्म किम कर्मेति। हे कुंती पुत्र, अर्जुन प्रतीक है जीव मात्र का, अर्जुन प्रतीक है हम लोगों का, अर्जुन प्रतीक है जब तक सृष्टि प्रारंभ हुई है और जब तक यह है तब तक के समस्त मनुष्यों का। इसलिए कुंती पुत्र से, कौन्तेय से जहां भी संबोधन है, हमारे लिए है, आपके लिए है। किम कर्म किम कर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है? कवयोऽप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान यहां मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तुझे उस कर्म योग की शिक्षा देने चल रहा हूं जिस कर्म योग के प्रकाश में अपने आप को पहचानेगा और महाभ्रम के महामोह के दलदल से मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आज पढ़ने के क्रम में हम देखते कोटा में मेडिकल की तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हमारे नवनिहाल बच्चे और बच्चियां सुसाइड कर लेते हैं। शायद छात्र छात्राओं की आत्महत्या हृदय को विदीर्ण करती है। बड़े बड़े सेना के पदाधिकारी गोली मार देते, अच्छे अच्छे चिकित्सक डिप्रेशन में आकर, घरेलू कलह में आकर अपने आप की अपना आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? अश्लोक बोल लेना, अश्लोक सुन लेना अलग की बात है। हमारा सनातन हिंदुज्म स्पष्ट करता है, पठता शास्त्रों को पढ़ने वाले, पाठ का पढ़ाने वाले, ये जानने शास्त्र चिंतका, और जो उसका चिंतन करते हैं, इन तीन लोगों का बहुत महत्व नहीं है। पठ का पाठ का ये जानने शास्त्र चिंतका, सर्वे व्यसनिनो भूया, इनको व्यसनी मानते हैं। वो पढ़ने का व्यसनी है, वो पढ़ाने का व्यसनी है, वह चिंतन करने का व्यसनी है। क्रियावान जस्तु पंडिता, हमने पढ़ा, उपदेश दिया, उसका चिंतन किया और उसको जीवन में अवतरित किया। जब जीवन में अवतरित कर लेते हैं तब उसकी सार्थकता है, वरना उसकी कोई सार्थकता नहीं। कर्मण्य कर्म यह पश्ये, बहुत महत्वपूर्ण गीता जयंती और गीता के ऊपर। ऐसे तो हम वो नहीं है जो हमारे बारे में कहकर बुलाया गया है। आपकी जैसे एक सामान्य शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त
फिर भी कोशिश करता हूँ स्वाध्याय और उसका एक्सपेरिमेंट लाइफ में रखूं। कर्मण्य कर्म यह पश्ये, हे कौन्ते, कर्म में अकर्म को देखो। कर्मण्य कर्म यह पश्ये, अकर्मणि च कर्मजः, और अकर्म में कर्म को देखो। अर्थात कर्म में अकर्म को जो देखता और अकर्म में जो कर्म को देखता वही वास्तविक दृष्टा है और वही शांति प्राप्त करता है। आप कहेंगे कि चतुर्वेदी जी तो बड़ी विचित्र बात आपने कह दिया, कर्म में हम अकर्म को कैसे देखें? अवस्था के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, जीवन की दिशा दशा के अनुसार कर्म में बदलाव होता है। और एक ही कर्म हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है तो आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता है, वही कर्म आपके लिए अभिशाप वरदान सिद्ध हो सकता है, हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता है। सात्विक आहार अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी। सात्विक भोजन हो, ठंडा भोजन हो, ग्लेशियर के बर्फ में जो हमारे नौजवान आज के समय में भेड़े हुए हैं उनको केला और दूध का फलाहार करा दें, क्या क्या उनकी स्थिति होगी? उनके लिए तो वह पदार्थ अवश्य देय होगा जो उनकी बड़ी के लिए वहां काम करे। न प्रसदार मई बालम, काठ की बनी हुई लड़की या स्त्री की तरफ दृष्टिपात न करे। कौन? हम गृहस्थ। जो योगी है, जो वैरागी है, जो अलग एक व्रत उपरेतस्कार लिया है, कहा कि काठ की बनी हुई भी स्त्री जाति का चिंतन वह न करे। यदि वह कर्म हम ले लेंगे तो हमारे लिए अभिशाप होगा कि नहीं होगा? कल जो विवाह करके लड़का आ रहा है, कल जिस बच्चे की बारात लेकर हम जा रहे हैं, कल जिस बच्ची का हाथ मेहरी से हर पीला कर रहे हैं, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं गीता अच्छी चीज है, रामायण अच्छी चीज है, उपनिषद अच्छी चीज है, लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम की सामग्री है उसको जो तैयार करना है, इसके लिए आप 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा का समय देते हैं पढ़ने के लिए, उसके जगह पर हम कहते हैं कि बैठकर 10 घंटा गीता पढ़ो, आपके लिए वह कर्म अकर्म होगा कि कर्म होगा? अहम सेवानिवृत्त हो गए, जो करना था कर लिए, 70 से अब पढ़ रहे हैं, अब हम कहेंगे बउआ हम तो थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा दो, हमारे लिए कर्म होगा क्या कर्म होगा? कर्म। हमारे लिए अहर्निश रामायण का अध्ययन, हमारे लिए अहर्निश गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवत का अध्ययन अमृत होगा। लेकिन हमारे ही बच्चे, हमारे ही पोते पोतियां जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में वह आगे बढ़ रहे हैं, यह गीता और भागवत के तरह वह अपने ग्रंथों को आत्मसात करें, यही उनके लिए कर्म है। इसलिए कहा कर्मण्य कर्मजः पश्येत्, अकर्मणि च कर्मजः। सबुद्धिमान मनुष्येषु सजुक्ष्म कृत्न कर्म कृत्, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला, संपूर्ण कर्मों का ज्ञाता और कर्म के संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला होता है जो कर्म में अकर्म की देखता और अकर्म में कर्म को देखता। कौन, किसके लिए, कहां, कैसा, इसीलिए कहा गया।
गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागृति एक बार। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। हम लोगों का अधिकार केवल कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा बलवती करके आप जब ही कर्म करना शुरू करोगे, वह कर्म तुम्हारे लिए अभिशाप हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। क्यों? हमने भगवान की वाणी का, भगवान के आदेश का अवहेलना किया। भगवान ने कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्तव्य है, हम अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे, फल क्या होगा वही है। हम ईमानदारी से इस क्षेत्र में पहल करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। आई डियर स्टूडेंट्स, हमारा कर्तव्य है हम खूब पढ़ें, ये हमारा कर्म है। लेकिन हम अब उसी समय में अपना जोड़ घटाव शुरू कर दें कि 90% लाएंगे या 95% लाएंगे, 99% लाएंगे, अरे वही ना लाओगे जो कर्म कर रहे हो, तो उसका बिना चिंतन किए कर्म करो ना, केवल पढ़ाई करो ना। किसी कारणवश मान लीजिए कि नंबर कुछ कम आ गया, और यदि आपने फल की आशा नहीं रखी है तो कोई विषाद नहीं हुआ, और नंबर यदि आ गया या अच्छा आ गया और तो विशेष खुशी होगी। बेटे का विवाह कर रहे हैं, बहू आएगी, मम्मी ने पाल रखा है, फल आएगी तो पांव दबाएगी, खूब बढ़िया सेवा करेगी, तेल मालिश करेगी, आप कहीं नहीं करने वाली आई तो कष्ट होगा कि क्या होगा। अब फल ही नहीं है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा कर्तव्य है विवाह करना, मैंने विवाह किया, नहीं सेवा कर रहे कोई विषाद नहीं, आ सेवा करने का भाव लेकर आगे तो अति प्रसन्नता, अति खुशी। इसलिए यह इतना सार्थक बिंदु है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आबाल वृद्ध, बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत यह हमारे जीवन को सींचता, यह हमारे जीवन को आगे बढ़ाता और डिप्रेशन से, हीन भावना से हमको बचाता और हमें सही मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। गीता में सब कुछ है। गीता जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब अधीक्षक महोदय ने, तिवारी जी ने कहा कि मैं इसको धर्म ग्रंथ नहीं मानता, ये जीवन की कला को, जीवन शैली को, जीवन जीने की कला को बतला गीता। गीता धर्म की डायरेक्टरी है। जातस्य हि ध्रुवम जन्म, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक उनके पुत्र जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित, आज जो मर गया उसका जन्म निश्चित, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित, आज जो मर गया उसका जन्म निश्चित। मोक्ष, अब इसको जो जानेंगे, केवल इसको जो पढ़ेंगे वो कहेंगे कि गीता मोक्ष के विषय पर मुख है, मौन है। हमारे यहां 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक,
सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये छह दर्शन है हमारे यहां है तो कुछ और लेकिन हुआ है जेएनयू के लिए यहां के लिए नहीं। जेएनयू का अर्थ मतलब उस स्थान विशेष से हम नहीं कहते हैं, विचारधारा में जो लोग वो दूसरे टाइप के लोग हैं, चारवाक है और है जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम भूतः इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये छह दर्शन में तीन की पूर्णता कब होती है, जब ये तीन से युक्त होते हैं। सांख्य में प्रकृति पुरुष का वर्णन है, तत्व का वर्णन है, जब तक वह योग से युक्त नहीं होता सांख्य पूर्ण नहीं होता। वैशेषिक जब तक न्याय से युक्त नहीं होता तब तक वह पूर्ण नहीं होता, और मीमांसा जब तक वेदांत से युक्त नहीं होता होती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। तो मीमांसा दर्शन में केवल कर्म, केवल स्वर्ग, केवल जन्म मृत्यु की चर्चा है। इसके आगे वेदांत में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसा दर्शन ने कहा कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, और इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि मीमांसा को पढ़ लिया जी पढ़ लिए, कहा कि अब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अब उसको छोड़ दो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मीमांसा के बाद जब वेदांत की पढ़ाई, वेदांत को पढ़ाना गीता शुरू करती है तब वहां बतलाती है कि न तद भाषयते सूर्यो, हे कुंती पुत्र, जिस जगह को जिस क्षेत्र को सूर्य भाषित नहीं करता बल्कि इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का भाषित करने की क्षमता सूर्य जहां से प्राप्त करता है, न शशांको चंद्रमा की चांदनी जहां नहीं जाती, अर्थात संसार में चांदनी देने की क्षमता चंद्रमा जहां से प्राप्त करता, न पावक अग्नि की दाहिका और प्रकाशिका शक्ति जहां काम नहीं करती, अर्थात इस संसार को दाहिका और प्रकाशिका शक्ति देने के लिए अग्नि जहां से वह ऊर्जा प्राप्त करती, जगत्वा जहां जाकर न निवर्तन्ते लौटना नहीं होता अर्थात मोक्ष हो जाता, तद्धाम परमम मम, और इसी को उपनिषद कहता न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। इसलिए गीता समस्त दर्शनों का, वेदों सारभूत है, और इसीलिए कहा गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तर ही, जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिश्रिता। पद्मनाभ भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से, मुख कमल से निश्रित वाणी जो गीता है उसको पढ़ लो, उसका मनन करो, बड़े मजे में जीवन को जियोगे, कहीं रहोगे आनंदमय रहोगे, किसी क्षेत्र में रहोगे यश प्राप्त करोगे, किसी अवस्था में रहोगे इन भावना से अलग रहोगे, जो तुम्हारे पास आएंगे उनके विषाद को दूर करोगे, ये है हमारी गीता। समय को देखते हुए अपनी वाणी को उपसंहार की तरफ ले चलते हुए आप सबों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आज के भौतिकवादी युग में जहां गीता रामायण वेद
अरे बहादुर तो हम इतने हुए हैं कि जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, जीरो भी नहीं जानते, उसके बारे में टॉक शुरू कर देते। और उसका नतीजा हमारे जीवन में निराशा की भांति कुहासा होकर आता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर दिवाकर राय जी को, क्योंकि मैं जो हूं अच्छा हूं, जैसा हूं आप लोगों के समक्ष मेरा परिचय डॉक्टर दिवाकर राय जी के द्वारा हुआ। आज मेरे जाने का कार्यक्रम दरभंगा में था, लेकिन मैंने जब इन्होंने यह प्रस्ताव दिया, मैंने कहा कि अवश्य चलूंगा। और चूंकि मेडिकल कॉलेज में यह कार्यक्रम होने की बात है, तो शायद संस्कृत कॉलेज में होने की बात होती तो मैं ही नहीं जाता, तो मैं अपराधी नहीं होता। लेकिन मेडिकल कॉलेज में यह कार्यक्रम है, वहां यदि मैं नहीं चलूंगा तो ईश्वर के यहां मैं अपराधी हो जाऊंगा। आपको मैं बतला दूं, जीवन के तीन क्षेत्र भौतिक विज्ञान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान से भी जब हम आगे बढ़ते हैं इसको, तब हम आते हैं अध्यात्म विज्ञान में, आत्मविज्ञान जिसको कहते हैं। हम सीधे भौतिक विज्ञान की कसौटी हम सीधे आत्मविज्ञान से कसे हैं और उसका ही करें तो थोड़ी मूर्खता होती है, अविवेकता होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी वस्तु को जानने के लिए हमारे पास तीन प्रमाण हैं। अक्सर नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, संस्कार होता है, वो अक्सर कहते हैं कि हम देखे हैं क्या कि मान लो इंद्रियाणाम विषयान प्रत्यक्षीकरणम इति प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियों से विषयों का साक्षात्कार हम करते हैं, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे आंख से हम देखते हैं आप बैठे हो, भोले यहां लगाया हुआ है, तुलसी का पौधा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम बोल रहे हैं, आप अपने कानों से सुन रहे हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जल का ग्लास लिए हैं, गर्म है कि ठंडा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो सकता है यदि हम इंद्रियों में दोष से संक्रमित हो, जैसे आंख में गड़बड़ी हो जाए, जो कुछ मोतियाबिंद इत्यादि की शिकायत होती है, तो देखेगा आदमी चंद्रमा को तो दिखाई पड़ेगा दो चांद, देखता है कारण को दिखाई पड़ता है दो सी आंख की गड़बड़ी से होता है ना। तो यदि हमारे इंद्रिय गड़बड़ हो, कोरोना आया तो जीभ की सारी स्वाद खत्म कर दिया ना, स्वादे मारता था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तभी प्रमाणित है जब हम इंद्रियों से सशक्त हैं। इसलिए सबके लिए इसको भी हम बहुत प्रमाणित नहीं मानते, जिसको आसुरी प्रवृत्ति वाले मानते हैं, जरूरी है। इसके बाद आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में आपने पहले देखा है, कहीं कुछ सुना है, वह अनुमान प्रमाण भविष्य में भी प्रमाणित करता है। यह है वहां मंदिर है, दुर्गा बाग है, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं यहां से ना, दुर्गा बाग में दुर्गा जी का मंदिर है, वृंदावन में श्री कृष्ण का मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, तो नहीं देख रहे हैं यहां से आंख से, लेकिन है कि नहीं है? कोई कह दे कि हम नहीं देखे हैं इसलिए नहीं है, उसको बुद्धिमान कहो कि मूर्ख कहो कि स्वयं निर्णय कर सकते हो। और अनुमान प्रमाण के बाद आता है शाब्द प्रमाण, जिसको शास्त्र प्रमाण कहते हैं। शास्त्र प्रमाणों में हमारे वेद और वेद सम्मत धर्म शास्त्रों ने जो अंकित किया है,
हमारे लिए शास्त्र का अर्थ होता है हमारे सनातन हिंदुत्व के आलोक में कि सूतिका गृह में नवजात शिशु के लिए माँ जितनी तत्परता से लड़ाई रहती है उसके योगक्षेम के लिए उसके कल्याण के लिए उसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिए जीव मात्र के लिए जो सदैव कल्याणकारी चिंतन कल्याणकारी बातों को रखे वही है शास्त्र। तो आप कहेंगे कि शास्त्र है चतुर्वेदी जी, लेकिन हम कैसे माने कि ये सत्य है जो कहता है उस पर कैसे हम यकीन करें आज के युग में? हम कहेंगे कि आज ही के युग में तो यकीन करने के विश्वास करने की बात है, इसलिए कि बुद्धिमान ही उसको देखेगा, मूर्ख थोड़े देखेगा। शास्त्र में एक अंग ज्योतिष है, और ज्योतिष के तीन भाग है, उसमें एक भाग गणित है। 12 वर्ष फ्यूचर के लिए हमारे यहां जो ज्योतिष केंद्र है वहां पर गणितीय पद्धति तैयार रहती है और बताता है कि अगहन के अजोर में 13 दिन का ही पक्ष होगा, 14वें दिन अन्हरिया का दर्शन हो जाता या अजोरिया का दर्शन हो जाता। यह 16 दिन का पक्ष होगा। अब इसके बाद भी कहोगे कि इसको माने कि ना माने, इसलिए शास्त्रों के इन रहस्यों को समझते हुए एक और बात मैं बतला दूं, आप बुरा न मानेंगे। इस धरती पर इस सृष्टि में धर्म एक ही है जिसका पर्याय है सनातन वैदिक, उसके अलावे जो भी हैं वह संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है। और इसलिए धर्म निरपेक्ष कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई समाज नहीं हो सकता। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ किया, धैर्य सहिष्णुता ब्रह्मचर्य सचरित्रता संतोष कर्मठता कर्मयोग ये है धृतिक समागमुस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह भेद विद्या सत्यम अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। इन 10 लक्षणों में एक को भी नकार कर कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो अपने को मनुष्य घोषित कर सकता। इसलिए हम पहचानने की कोशिश करें, संग छद्भम संपद्भम संभो मनांसी जानताम, हम एक साथ होकर चले, हमारी वाणी एक हो, हम एक दूसरे के मनोभाव को पहचाने। क्योंकि मानवीय मूल्य का जब प्रवेश आप में होगा, मानवीय मूल्य जब ऊर्जान्वित होगी आपके शरीर में, तो आप जिस क्षेत्र में जिस पद पर जहां रहेंगे वही आप समाज के लिए आदर्श बनेंगे, राष्ट्र के लिए आदर्श बनेंगे, अपने संस्थान के लिए आदर्श बनेंगे। अमानवीय मूल्य की कमी हो जाएगी तो आप कहीं भी रहेंगे तेजहीन होकर रहेंगे। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि गीता जयंती के अवसर पर हम संकल्प लें कि भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम कहीं रहे अपने कर्म में कोई कोताही नहीं करे, पूरी ईमानदारी से कर्म करें, तब न कर्म योगी बनेंगे, लेकिन फल की इच्छा उसके ऊपर छोड़े, उस आगे तुम्हारी मर्जी। हे राम जी, आप जो करेंगे वही हमारे लिए शिरोधार्य है, वही हमारे लिए वरदान है। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। अर्जुन को कैसे समझाएं जो कार्य करे वह हितकारी, अर्जुन को कैसे समझाएं
जो कार्य करे वह हितकारी। हरना था मन का मोहजाल, साहस अर्जुन में भरना था। हरना था मन का मोहजाल, साहस अर्जुन में भरना था। तत्सहस्त्र दुखी जो बैठा था, उत्साहित फिर से करना था, उत्साहित फिर से करना था। इसी के साथ मैं अब आदरणीय डॉक्टर दिवाकर राय सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी, वो आकर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, भोजपुरी विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आरएसएस के दायित्व से उत्तर बिहार प्रांत के परिवार प्रबोधन प्रमुख हैं। आदरणीय आचार्य मधुसूदन चतुर्वेदी जी, जिनका गंभीर वक्तव्य हम लोगों का सौभाग्य है कि आज गीता जयंती के अवसर पर आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। मंच पर उपस्थित इस मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी, दो अन्य आदरणीय परम आदरणीय चिकित्सक वृंद, सामने उपस्थित श्रोतागण, दर्शक और इस जीएमसीएच के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बंधु भगिनी, गीता जयंती की हार्दिक शुभकामना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मेडिकल के छात्र छात्रा गीता जयंती का आयोजन किए हुए। आयोजक तो एनएमओ है, लेकिन आप सब इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं और यह प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता की बात इसलिए भी है कि आज के भौतिकवादी युग में आप जिस पढ़ाई में तल्लीन हैं, उस पढ़ाई का आज एकमात्र उद्देश्य बच गया है पैसा कमाना। आप इसे माने या न माने यह अलग बात है। कभी कभी आदमी का दो स्वरूप होता है, एक होता है बाहरी स्वरूप, बाह्य स्वरूप, और एक होता है आंतरिक स्वरूप। आप एक फिल्म देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी। उस फिल्म में बाजीराव के सामने जब मस्तानी आती है और आपस में बातचीत करता है करती है, तो काशीबाई ऊपर से देख रही होती है छत पर से, ड्योढ़ी पर से, और उसके अंदर कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कभी खुश हो रही है, कभी दुखी हो रही है, कभी ईर्ष्या कर रही है, कभी घृणा कर रही है। तो आज का जो ये संसार है ना, इसमें आदमी विभिन्न रोल में आता है। हम यहाँ है, एक पल में प्रसन्न है, अगले पल में आज हम घृणा करने लगते हैं, अगले पल में आपसे हम डाह द्वेष करने लगते हैं। ये जो परिस्थिति है, इसी के कारण विषाद उत्पन्न होता है। और अर्जुन को जब विषाद हो गया, तो पूरी की पूरी गीता भगवान कृष्ण ने इस विषाद को दूर करने के लिए रखी है। पूरी गीता का जो पूरा ज्ञान है, वो इस विषाद को, हम जो डिप्रेशन में है, हम जो टेंशन में है, हम जो दुख में है, हम जो परेशानी में हैं, हम जो अवसाद में हैं, इस अवसाद को, इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, इस टेंशन को दूर करने के लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। बहुत व्यवहारिक उपदेश है। हमारे साथ एक समस्या है। समस्या यह है ना कि हम धर्म ग्रंथों को पूज्य मानते जरूर हैं, लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते हैं, उसके बारे में चिंतन नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। हम उसको प्रणाम कर लेते हैं लाल पोथी में, लाल कपड़ा मान के, और हम जहाँ एक मंदिर होता है घर में, एक पूजा गृह होता है, उस पूजा गृह में उसको बांध करते रहते हैं, और कभी जाते समय बाहर निकलते हैं तो माता पिता कहते हैं कि प्रणाम कर लो देवी देवता का, जाते हैं प्रणाम करके जाते हैं। और हमको लगता है ना कि ये इसमें इतने गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को हम समझ नहीं सकते, जबकि दुनिया में गूढ़ कुछ भी नहीं है, केवल अपने अपने सोचने से और विचारने का की बात है माँ। लेकिन एक बात है, एक पहले एक प्रश्न है और मैं उठाया था, गीता जयंती हम मनाए क्यों? पहले मैं इस विषय को ही देखता हूँ, उसके बाद से आगे बढ़ूंगा।
ये गीता जयंती इसलिए मनाना है। अच्छा आप सुने होंगे कि दुनिया में किसी पुस्तक की जयंती नहीं मनाई जाती है, सुना है कभी किसी पुस्तक की जयंती मनाना? नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ हो किसी धार्मिक ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। क्यों नहीं मनाई जाती है? क्योंकि वो एक दिन में रची ही नहीं गई है। जिसका एक दिन जन्म होगा उसका एक दिन जयंती मनाएंगे, उसका जन्मदिवस मनाएंगे। जो वर्षों में रचा गया है, जो वर्षों तक पैदा होता रहा है, उसकी जयंती क्या मनाएंगे? तो गीता का उपदेश एक दिन में दिया गया, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को दिया गया, इसलिए मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष। अच्छा मार्ग शीर्ष का महत्व कितना बड़ा है, उसी गीता में भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, मैं मास, सभी वर्णन करते हैं कि मैं क्या हूँ, पौधों में क्या हूँ, ये जीव में क्या हूँ, तो महीने का बताते हैं कि मैं महीने में मार्ग शीर्ष हूँ, उस माह हूँ। ये इसका मतलब इस महीने का विशेष महत्व, और इसी महीने में ये सारी घटनाएं घटी। तो गीता हमारे जीवन का विज्ञान है, हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारी जो एक आंतरिक, जो हमारे अंदर एक अंतर्मन है, वो अंतर्मन हमारा संबल कैसे प्रदान करे, उसको हम संबल कैसे प्रदान करें, वो मजबूत कैसे हो, हम किसी काम में करें तो हमारा मन कैसे लगे, हमारे अंदर विषाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, उस विषाद का कारण क्या है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, हम टेंशन लेस कैसे रहें, ये सारे विज्ञान जो है विशेष रूप से केंद्रित रखूंगा। तो गीता जयंती इसलिए हम मनाते हैं कि गीता की का जो उद्भव हुआ वो भगवान ने, गीता गीता पुस्तक में एक बहुत सी भगवत गीता में पता और ध्यान दीजिएगा, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है श्री कृष्ण अनुवाचक, हर जगह लिखा हुआ है श्री भगवान अनुवाचक, भगवान वचन है, कृष्ण का कहीं से नाम नहीं है कि कृष्ण बोले, भगवान वचन है। तो भगवान बोल रहे हैं और श्रोता कौन है? अर्जुन है। तो हम लोग गीता को तभी समझ सकते हैं जब हम भी अर्जुन बने। अर्जुन क्या है? अर्जुन ऋज शब्द से बना हुआ है, अर्थ विद्वान है संस्कृत से बताएंगे, ऋज होता है ना सीधा सरल, सरल। जब हम अपने आप को सरल बना लेंगे तो हमें गीता का ज्ञान मिल जाए, कोई भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य तभी हम आत्मसात कर सकते हैं जब हम सरल होंगे। हम मानेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे ही हम मानेंगे कि हम विद्वान हैं, हम कुछ जानते हैं, वैसे ही सारी की सारी समस्या, जैसे ही बुद्धि का उपयोग शुरू हो जाएगा तो तर्क शुरू हो जाएगा, वितर्क शुरू हो जाएगा, कुतर्क शुरू हो जाएगा, हम उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं रहेंगे। हाँ हम आपकी सब बात मानते हैं लेकिन ऐसा है कुछ ना कुछ, ऐसा ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो रहस्य है, जो योग है, ये जो इसमें जो विभिन्न प्रकार की गूढ़ बातें हैं, वो बातें समझ में नहीं आई, बातें गूढ़ नहीं है, बातें जीवन के लिए सरल है, लेकिन हम गूढ़ उसको बना देते हैं, हम अपने आप को इतना जटिल बनाते जा रहे हैं कि सामान्य सी बात लगने वाली गूढ़ हमें लगती है। कोई हमें समझाता है कि बेटा सवेरे उठना चाहिए, सवेरे 5 बजे उठिए, तो हमको लगता है अरे पड़ोसी अगर समझाता है तो एकदम नहीं उठेंगे 5 बजे, लगेगा भाई पड़ोसी की जरूर इसमें कोई चाल है कि हमको चाह रहा है कि 5 बजे उठे और कोई हमारे से दो धोखा कर दे। लेकिन वही माँ अगर हम उससे कहेंगे बेटा 5 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठने से लाभ होता है, शुद्ध वायु मिलती है, टहलने से शरीर स्वस्थ होता है, तो हमको तुरंत विश्वास हो जाता है, क्योंकि माँ पर हमारी श्रद्धा है, माँ को हम मानते हैं कि हमारा हित सोच ही नहीं सकती है। तो जब इतना हम सरल हो जाएंगे, पुत्रवत हम माँ के जैसे, हम माँ के लिए जितना हमारे लिए श्रद्धा और माँ के लिए जितना सरल है, उतना जब हम सरल हो जाएंगे ना तो हमको माँ जो कहेगी बात सभी बातें अच्छी लगेगी, लेकिन हम उतना सरल हो नहीं पाते हैं। ये आज की जो भौतिकवादी स्थिति है, युग है, भौतिकवाद का जो युग है, इस भौतिकवाद युग में बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्याएं तो हमने खुद पैदा की हुई है। आज पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या हमने खुद पैदा किया हुआ है, ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ रहा है, ये हमारी खुद की उत्पत्ति है। इन सारी बातों को भगवान कृष्ण विष्णु बताते हैं। ये एकमात्र ये ग्रंथ है जिसका 175 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। दुनिया की शायद ही कोई प्रमुख भाषा है जिन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद नहीं हुआ है। इसकी माता का इससे हम बांधा जाते हैं। दुनिया में अगर सबसे अधिक भारत को लोग जानने वाले हैं तो गीता के माध्यम से लोग जानने वाले हैं। एक संगठन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्री कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस,
850 से भी विशाल विशाल मंदिर पूरे विश्व में उनके। और अगर आप जाइए, मैं गया उनके मंदिरों में, भारत बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन भारत में ही कई स्थान के मंदिरों में गया हूँ, वहाँ सभी विदेशी गोरे लोग क्या करते हैं, आपके राधे राधे का जाप करते हैं, कृष्णा कृष्णा का जाप करते हैं। उनके मन में इस गीता को जानने की उत्सुकता है, इतनी उत्सुकता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बाद में किसने गीता भेंट किया था बुढ़ापे के समय में, उन्होंने लिखा कि गीता अध्ययन करने के बाद कि अगर मैं इस गीता को पहले बचपन में गीता मुझे मिल गई रहती तो मैं और अच्छा और क्या कर सकता था, मैं नहीं सोच सकता हूँ। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि ये गीता मैंने पढ़ना बाद में बुढ़ापे में शुरू किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में गीता के बारे में उन्होंने लिखा था कि मैं जब भी किसी तनाव में आता हूँ, जब भी मुझे विषाद घेरता है, जब भी मुझे परेशानी होती है, तो मैं भगवत गीता को उलटता पलटता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से दो श्लोक पढ़ता हूँ और मेरा विषाद दूर हो जाता है। ये ऐसा एक कहते हैं रामबाण दवा है, हमें सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाएगा। और ये शाश्वत है, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ है वो सभी शाश्वत है। शाश्वत कहते हैं कि वो 5000 पहले भी वैसे ही सत्य था, आज भी वैसे ही सत्य है, और आज से 10,000 साल बाद भी वैसे ही सत्य रहेगा। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान परिवर्तनशील है। आज से 10 साल पहले जो मेडिसिन खोजा गया या जो जो अनुसंधान हुआ, आज उसमें परिवर्तन आ गया है। आज से बाद में 25 साल बाद और भी परिवर्तन आ जाएगा, नई नई तकनीकी आ जाएगी, नए नए ज्ञान आ जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, इंटर में पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े हुए फिजिक्स में पढ़े हैं, एटॉमिक जो साइंस है तो थ्योरी पढ़े हुए, एटॉमिक थ्योरी पढ़े हुए। सबसे पहले डाल्टन ने दिया, डाल्टन की थ्योरी में बहुत सारी कमियां आ गई, तो रदरफोर्ड ने दिया, तो फिर रदरफोर्ड की थ्योरी में बहुत सारी कमी आ गई, तो फिर उसके बोर ने दिया, फिर उनके थ्योरी में बहुत सारी कमी आ गई, फिर मॉलिकुलर थ्योरी है। तो कहने का मतलब है कि ये परिवर्तनशील है, विज्ञान परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो शास्त्र शाश्वत है, उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो परिवर्तनशील नहीं है। आज भी उतना ही है, आज भी जो भगवान कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन उसमें शर्त भी लगाते हैं कि ये मत समझे कर्म करना है तो ये मत समझे कि हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करते तो नहीं होता। कर्ता मत बनो, अपने आप को कर्ता मत समझो, आपके साथ बहुत सारे कारण है जो कर्म कराते हैं, और इसीलिए फल की चिंता नहीं करना है और अकर्म बन के भी रहना है, हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं करके ले जाना, इससे दुनिया नहीं चलने वाली। तो आदमी जो है, इसलिए आज गीता की महत्ता अधिक है, पूरे दुनिया में गीता को मानने वाले लोग हैं, गीता को गीता का अध्ययन करने वाले लोग, क्योंकि गीता में ही सारी समस्याओं का समाधान है। मैं आज 5-7 मिनट में जो विषय रखने वाला हूँ आपके बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके विज्ञान के विद्यार्थी है, आपके लिए ज्यादा, मैं भी विज्ञान पढ़ा हूँ BSc तक, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो जो इसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, आदमी गिरता क्यों ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आगे यश कमाइएगा, नाम कमाइएगा, पैसा कमाइएगा, और पैसा नाम यश जब हो जाता है ना, तभी आदमी का पतन प्रारंभ होता है। तो आदमी गिरता क्यों है, आदमी का पतन क्यों होता है, ये बात समझने की आवश्यकता है। बस मैं 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा आपके सामने। गीता के दूसरे अध्याय में 15वां और 16वां श्लोक है, दूसरे अध्याय में यह श्लोक आता है, 62वां और 63वां श्लोक है, इसको मैं बताता हूं आपको। भगवान कहते हैं कि ध्यायतु विषयां पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसार बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रस्फुति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगा ना कि ये श्लोक आप लोगों के बीच रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग हो सकता है गीता भी नहीं पढ़े हो, पढ़ना चाहिए गीता को, पढ़ना चाहिए। आप पूरा समय मत दीजिए, रोज एक ही श्लोक पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट उस पर सोचिए, बस इतना ही रूटीन में अपने समय कीजिए, वो उसी का लाभ आपको मिलेगा। एक अध्ययन हुआ था विश्वविद्यालय में, विद्यालय का मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि 1 महीने तक कुछ विद्यार्थियों का रूटीन वैसे ही था, और कुछ विद्यार्थियों को 1 घंटे गीता का अध्ययन कराया गया, अभ्यास कराया गया, गीता के बारे में प्रवचन दिया गया,
एक महीने बाद फिर उनके आईक्यू का लेवल जांचा गया, आईक्यू का लेवल पहले भी जांचा गया था, और एक महीने लगातार गीता का अध्ययन कराने के बाद, गीता को प्रवचन के बाद उनके आईक्यू का लेवल जांचा गया। तो जिन बच्चों ने गीता सुना था, गीता का अध्ययन किया था, उस पर प्रवचन सुने थे, उनका आईक्यू लेवल बढ़ गया। तो ये गीता जो है ना, किस प्रकार से हमारे मानस को, हमारे मानस को प्रभावित करने वाला वाला ग्रंथ है। इस श्लोक में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति रहती है। हम कोई चीज हमको अच्छी लगती है, हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे कि आम का फल पका हुआ है, आम पेड़ पर लगा हुआ है, उसमें पीला पीला आम है, तो वो हम जब तक देखे नहीं है ना, तब तक हमारे अंदर उसके लिए आसक्ति नहीं आई है, हमको उसकी इच्छा नहीं है। जो ही हम देखे कि अरे ये बड़ा सुंदर आम पका हुआ है, लाल टेस है, तो खाने की इच्छा होती है, आसक्ति हो गई। हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये तो हीरोइन है, तो हीरोइन के प्रति हीरोइन को देखने की आसक्ति हमारे अंदर जग गई। हम जहाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर गाड़ी है, ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, उस गाड़ी के प्रति हमारी आसक्ति जग गई। तो ये जब हम विषय को देखते हैं, विषय पर चिंतन करते हैं, उस पर सोचते हैं, तो अंदर हमारे अंदर विषय के प्रति आसक्ति जगती है, और उस आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। हमारी इच्छा रहती है हम उसको पालें, कैसे भी पालें। उसी के लिए हम लोग बार बार अखबार में पढ़ते हैं कि प्रेमिका को देने के लिए मोबाइल की चोरी हुई। प्रेमिका पास पैसा नहीं है मोबाइल देने के लिए, आप प्रेमिका मांग रहे हैं मोबाइल चाहिए, इंप्रेशन जमाना है, तो मोबाइल चोरी करके ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वो क्षमता नहीं है, कामना उसके अंदर उत्पन्न हो गई है, और उस आसक्ति को पूरा करना है, उस विषय के कारण जो आसक्ति उत्पन्न हुई है, उस आसक्ति को पूरा करने के लिए वो कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। हम चाह रहे हैं कि ये चीज हमको चाहिए। कोई फिल्म देखते है ना जी, हीरो रहता है, जाता है हीरोइन को लाने के लिए, वो चाहता है हीरोइन को मैंने अपने अंदर उसको अपने पास लाए, और बीच में उसका पिता चाहे भाई को खलनायक के रूप में आ जाता है, तो क्या मन में आता है? मारता है उसको, हीरो मारता है, खलनायक को मारता है, भाई को मारता है, पिता को मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो जो चाह रहा है ना, उसकी पूर्ति में वो बाधा उत्पन्न हो, बाधा हुई, और बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोध होता है, और क्रोध में कुछ भी कर सकता है, क्रोध से अत्यंत मूल भाव उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद हम क्या करते हैं ये हम सोचते नहीं, क्रोध में हम कुछ भी नहीं सोचते कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, जो मन में आता है उसको कर देते हैं, और उसके कारण मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। उसके बाद जो हम करते हैं ना, उसके बाद हम बार बार दिमाग काम नहीं करता है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके कारण स्मृति में भ्रम के कारण हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, हम किन कर्तव्य में मूढ़ हो जाते हैं, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बुद्धि के नाश के कारण यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो विवेचन हो गया, विवेचन क्या हो, एकदम गर्त में चला जाता है, तरसाई रहता है। तो ये जो श्लोक है, इसमें जो बताया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बात इसमें आया है कि मूड भाव उत्पन्न होता है, भावना, भाव कैसे उत्पन्न होता है? भाव जो है ना भू धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है होना, जिस चीज के होने से होता है, जो होने से होता है वो भाव है, और जिसके नहीं होने से उत्पन्न होता है वो अभाव है, जिसके होने से विशेष, जिसके विशेष होने से उत्पन्न होता है वो प्रभाव है। तो ये अभाव है, भाव है, विभाव है, प्रभाव है। भाव का बहुत अच्छा साहित्य में सर जानते होंगे, सभी आप लोग भी जानते होंगे, साहित्य में रस जो उत्पन्न होता है ना, नौ रस की कल्पना की गई है, जिसमें श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, तो उसमें कहा गया ना उसकी उत्पत्ति के लिए कैसे रस की उत्पत्ति होती है। हाँ बिल्कुल सही, प्रशांत जी सही बोल रहे हैं, अनुभाव विभाव, विभाव और अनुभाव संचारी संयोगात रस की उत्पत्ति। ये विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। मैंने हमको क्या अच्छा लगता है, हम यहाँ एक ड्रामा देख रहे हैं, हो सकता है ड्रामा हमको अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसी में किसी को वो बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो संचारी भाव है ना वो उसे कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने का उसके प्रति रस उत्पन्न होता है। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि सीता माता रो रही है रामायण में, तो हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं, वो भाव उत्पन्न, हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, और जब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये भाव जो है बहुत खराब चीज है, भाव जो है हमारे शरीर के अंदर हमारा दो रूप है, एक बाह्य रूप है जो हम देखते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, पहनते हैं,
बाल बनाते हैं, चश्मा लगाते हैं या अच्छा दिखते हैं, ये सब हमारा बाह्य रूप है। इसका हमारे अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इससे निराशा भी खत्म नहीं होगी। आजकल आप जाइए कहीं तो मनोचिकित्सक कहते हैं कि आप खूब हंसिए, आप खूब एंजॉय कीजिए। अरे भाई, मन जब खराब रहेगा, जब हमारे अंदर की भाव शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे हंसने से कोई प्रभाव आता है क्या? कुछ नहीं अंतर आता है। हम घर से निकले पार्क में जाने के लिए, अब पार्क में जाकर हाँ 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 आज सुबह हंसी जो हो रहा है, सब कोई हंस रहा है, लेकिन हमारे मन में अगर खराब है, हमारे मन में बैठा हुआ है निराशा घिरे हुए है हमारे मन को, तो वो हंसी से हमारे निराशा खत्म नहीं होगी। हमारी निराशा खत्म होगी तब जब हम उस निराशा को जानेंगे कि क्या कारण है और कारण का दूर करने का उपाय। यही गीता बताती है। तो अंतर जो है ना, शरीर का बाह्य रूप तो यह है, लेकिन आंतरिक रूप में चार जो जगह है उन जगहों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वो विज्ञान आधुनिक जो साइंस है ना, वो बताएगा, सेल बताएगा, टिश्यू बताएगा, ऑर्गन बताएगा, आदि आदि बताएगा, लेकिन मन क्या है, भाव क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, ये जो है ना, ये मॉडर्न साइंस में ये इसको साइकोलॉजी से समझना पड़ेगा। तो मन जो है ना, वो मन में ये भाव रहता है और इसलिए कहते हैं मन खराब हो गया, आज हमारा मन खराब हो गया था, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। बुद्धि जो है ना, बुद्धि और तर्क वितर्क की क्षमता प्रदान करती है। हम क्या, जैसे वकील साहब लोग हैं, तो आप मर्डर करके गए हैं और उनके सामने अपना विषय रखिए, तो अपने बुद्धि से दो चार को उसमें कॉज खोज लेंगे, हाँ ये आपका ठीक ही है, आपके पक्ष में ये बिंदु जाता है। आज जो मार खाने वाला आदमी जाएगा तो भी कहेंगे, उनके अंदर भी उत्तर खोज लेंगे, हाँ ठीक है आप तो प्रताड़ित है, आपके अंदर आपके लिए पॉइंट है, फलना 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 पॉइंट है। तो ये बुद्धि का काम है, बुद्धि यही समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका काम है तर्क करना, वितर्क करना, रीजन देना, काउंटर रीजन करना, आर्गुमेंट देना, काउंटर आर्गुमेंट देना, ये काम है मन का, बुद्धि का। लेकिन मन जो है ना, वो मन बहुत अति चंचल है। मन को हम एक तरह से समझ सकते हैं, ये मानस हमारा जो है, उस मन के अंदर ही सारे भाव रहते हैं, और जैसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा वैसा ही मन हमारा बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसे ही हमारी प्रगति होगी। तो इस मन को हम लोग कैसे नियंत्रित करें, ये बात गीता बताती है। और इसलिए गीता के 17वें अध्याय में बताया गया है कि हमारे पास मन की शुद्धता कैसे हो सकती है। शुद्धता के लिए उसमें बताया गया है कि मनः प्रसाद संगतम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहे गए। तो तप कई प्रकार के कहे गए हैं, मन संबंधी भी है, फिर शरीर के भी तप है, वाणी के भी तप है। वाणी के तप के बारे में कहा गया उसी अध्याय में 15वां श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यानी जो उद्वेग न करने वाला प्रिय एवं हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। उसी प्रकार शरीर का तप क्या है, तो देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तपोचते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो ये सब सारी बातें उसमें बताई गई है और इन बातों पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, और चिंतन मनन से केवल काम नहीं चलेगा, आत्मसात करने की आवश्यकता है। गुड़ खाना बहुत अच्छी बात है या बहुत खराब बात है, ये हम जानते हैं, थ्योरेटिकल जानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। शराब पीना बहुत खराब है, फिर भी बहुत सारे लोग शराब पीते हैं। तो जब तक इसका हम चिंतन नहीं करेंगे और चिंतन के बाद उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कोई काम, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और आज चूंकि समय की एक मर्यादा है, तो समय बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, आज मैं सिर्फ इतना ही आग्रह आप सबसे करूंगा कि आप सभी देश के भविष्य हैं, आपसे देश को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आप अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए। भाव शुद्धि जिसके बारे में, हमारी भावना जो ना, हमारे भाव जो वो शुद्ध हो, केवल भौतिकवाद के इस चक्कर में, भौतिकवाद के जंजाल में
हंसने से हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता है। जीवन को सार्थक करने के लिए हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस भूमंडल के लिए क्या कर सकते हैं, यही बात उसमें बताया गया है। उसमें कोई भी किसी धर्म की बात नहीं बताई गई है, उसमें तो कोई दूसरा पंथ मजहब था भी नहीं उस समय। उसमें जो बताए गए हैं जो विषय है वो सारे के सारे पूरे विश्व के लिए सही है, पूरे विश्व के लिए सभी व्यक्तियों के लिए सही है। तो मेरा बस आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़िए, दो श्लोक पढ़िए, उस पर चिंतन 5 मिनट में चिंतन मनन कीजिए, सोने के समय कीजिए, सोने के समय पढ़िए एक श्लोक, उस पर या सवेरे फिर सवेरे उठते उठते या शाम के बाद पढ़िए, कभी भी पढ़िए, जीवन को एक दिनचर्या बना लीजिए, एक श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, उसके चिंतन उस पर थोड़ा 2-4 मिनट चिंतन कीजिए, फिर आप अपने काम में लग जाइए। और अंत में गीता का जो अंतिम श्लोक है उस श्लोक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति धुआ नीतिर मति मतिर मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ है वहां श्री विजय भूति और धुआ नीति है, ऐसा सत्य है। ऐसा ये कहे हैं कौन कहे हैं, ये कहे हैं संजय कहे हैं, धृतराष्ट्र कहे हैं। पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र संजय से बोल रहे हैं और अंतिम जो श्लोक है वो संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। तो मेरी आपके साथ शुभकामना है, आज गीता जयंती के रविवार बहुत बहुत फिर से शुभकामना है। और मेरा बस यही आग्रह है कि गीता का हम लोग अध्ययन करें और गीता को आत्मसात करें। वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। बहुत अच्छा एंकरिंग किया है, बहुत बहुत बधाई है।